you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी व्लॉग्स। सो आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 के बारे में। BS6 वर्जन है, जैसे कि आप जानते हैं। ये लेखिए आप, अभी 6 नवंबर को अपने डेक इन डिलीवरी ली थी इसकी, और आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए और करिए शर्मा जी व्लॉग्स को। देन आपको दिखा देते हैं एक बार गाड़ी किस तरह से क्या है और कितनी चली है। इस वीडियो में अपन ऑनरशिप रिव्यू देंगे इसका गाड़ी, क्योंकि 3500 किलोमीटर करीब चल चुकी है, ऑलमोस्ट 4000 ही मान लीजिए। तो ये देखिए आप पूरी गाड़ी, पहले तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। देन क्या क्या चीज़ अपन ने लगाई सबकी, उसकी बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ब्लैक गार्ड अपन ने ये वाला लगवाया है, रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल है ये देख सकते हैं आप लोग। सो ये 2500 रुपीज़ का है। और आगे से बात करते हैं तो ये लद्दाख फ्लैग अपन ने लगा रखा है, ये तो अलग से परचेज़ किया था, आप भी परचेज़ कर सकते हैं। देन गाड़ी के नंबर 8448 ये अपने आ चुके हैं अगर किसी को पता नहीं हो तो। और ये तो 10-12 दिन में आ गए थे, उसके बाद में तो अपन ने UK राइड की थी इसमें, उत्तराखंड राइड। सो वो सारा सब कुछ, अगर वो वीडियो भी नहीं देखा आपने तो वो भी जाकर देख सकते हैं। देन ये देखिए आप, ABS सिंगल चैनल ABS आता है इसमें, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और BS6 ये अपना कन्वर्टर, कैटेलिक कन्वर्टर, BS6 सेंसर, पूरी BS6 गाड़ी है। और ये इसके गाड़ी का लुक, साइलेंसर अपन ने अभी चेंज किया है, 2 या 3 दिन हुए हैं, रिव्यू इसका भी दूंगा मैं आपको। सो ये इंदौरी साइलेंसर है देख सकते हैं आप लोग, और काफ़ी सही आवाज़ है इसकी भी, तो इसको सुनाऊंगा मैं किस तरह से क्या आवाज़ दे रही है गाड़ी। और अब दिखाते हैं इसको थोड़ा पीछे से, तो ये देखिए आप, बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं किया है मैंने, एक सीट कवर लगवा दिया है अभी तो, नॉर्मली लगवा दिया है, फिर बाद में मैं दूसरा लगवाऊंगा। सो ये तो इतना कुछ खास नहीं है। देन साइलेंसर का भी रिव्यू देंगे, किस तरह का साउंड आ रहा है आपको सुनाएंगे पूरा। और EFI 350 देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है, फ्यूल टैंक वगैरह वही सब कुछ सेम, EFI सिस्टम। गाड़ी तो आपने पूरी देख ही ली थी, चलिए आप ऑनरशिप रिव्यू की बात कर लेते हैं इसमें। तो ऑनरशिप रिव्यू में देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको मीटर दिखाते हैं गाड़ी कितना चली है, उसके बाद में ही फिर स्टार्ट करते हैं इसको। सो ये देखिए आप, 3480 3480 किलोमीटर यानी 3500-3500 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, ये देखिए आप। तो ये तो रिज़र्व की लाइट, ABS की लाइट और ये सब सारी चीज़ें, तो गाड़ी के किलोमीटर मैंने आपको दिखा दिए हैं। और अपन ने क्या एक्स्ट्रा लगाया हुआ ये भी दिखा देता हूँ मैं, इसका रिव्यू भी दे दूँगा इसमें। तो ये देखिए आप, हज़ार लाइट स्विच लगाया हुआ अपन ने, तो चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाते हैं इसमें, काफ़ी सही लगते हैं ये भी। इसको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं, इसमें कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती है। ये अपन ने इंडिकेटर ऑन किया, यहाँ से ऑन किया स्विच, और ये देखिए अब आप इसका लुक, ओवरलॉक लुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और फॉग में जैसे फॉग बसता है, अपन सुबह पहले चले हैं तो उसमें आराम से काफ़ी मदद करता है अपन को ये। चलिए अब बात करते हैं इसके रिव्यू की, तो क्या क्या चीज़ें इसमें नेगेटिव लगी मुझे, क्या क्या पॉजिटिव लगी, सारी चीज़ें बातें करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं इंजन की, तो इंजन काफ़ी शानदार है, इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने UK राइड भी की थी इसमें, लेते ही मैं तुरंत निकल गया था, तो मैंने 2000 किलोमीटर तो राइड में इसमें चलाए हैं। और मेरे को लिए हुए 6 नवंबर 2020 को ली थी गाड़ी, आज मैं रिव्यू बना रहा हूँ उसका, 3 जनवरी 2021। तो देख सकते हैं आप लोग, 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं, गाड़ी चल चुकी है 3480 किलोमीटर, और 3 दिन बाद में इसको 2 महीने होंगे पूरे, तो 2 महीने में अराउंड 3500 किलोमीटर करीब ये मान लीजिए आप। तो काफ़ी अच्छी खासी चला दी है मैंने। और इसमें एक चीज़ कमी लगी मुझे, एक तो ये देखिए आप, फ़िल्टर यहाँ लगा दिया गया है, इससे क्या है ये पीला पड़ जाता है पूरा, एक तो ये चीज़ है गर्म होने के बाद में। सो एक इनको थोड़ा ये देखना चाहिए, या फिर नीचे की तरफ थोड़ा इसको शिफ्ट कर देना चाहिए, फ़िल्टर तो लगाओ, फ़िल्टर में कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो उसको, ताकि क्या है ये जो हिस्सा है ये थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाए, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा गर्म नहीं हो और पीला नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि इसमें कम गैप मिल रहा है, उसके बाद में फ़िल्टर लगा दिया तो इस वजह से पीला पड़ जाता है वो, और कोई इशू नहीं है इसमें। साउंड आपको अभी सुनाएंगे इसमें। और टायर इसमें थोड़े से पतले हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है कभी कभी हाई स्पीड पे, पीछे वाला टायर पतला है इसका, तो कभी आगे फ्यूचर में कभी घिसेगा, उसके बाद में अलॉय व्हील लगाएंगे इसमें ट्यूबलेस टायर करके, और वाइट टायर लगाएंगे। सो एक कमी ये लगी, और बाकी तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, आदत पड़ जाती है आपको, हैबिट पड़ जाती है वो। और पेंट क्वालिटी वगैरह ठीक है, पर इसको ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है अपन को, मैं बताऊँ तो आपको। ये देखिए आप, अभी तो मैंने क्या है पॉलिश वगैरह लगाते रहना पड़ता है, मतलब टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर हल्का सा भी स्क्रैच हो जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है फिर आपको, जैसे कि पता है। और
बाकी पेंट क्वालिटी भी ठीक है। डिस्क ब्रेक की अगर बात करें, सिंगल चेन है, एबीएस काफ़ी अच्छा है इसका। मैंने राइड पे काफ़ी दौरान इसमें इसको यूज़ किया और इसको ट्राई भी किया मैंने हाई स्पीड्स पे भी, तो 80-100 की स्पीड में भी मैंने लगाया इसको, अच्छी तरह और शानदार वर्क कर रहा है ये। एक ये इसका प्लस पॉजिटिव पॉइंट बन चुका है ये BS6 में, जो ये सिंगल चैनल ABS जो इसमें दिया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है और इसकी ब्रेकिंग काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। अब इसकी एक ही कमी थी जो कि इनने सॉल्व कर दी है, सेल्फ़ की ऐसी कोई नीड नहीं लगती क्योंकि ईजिली इसे किक लग जाती है। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा अभी। फ्यूल टैंक भी 13.5 लीटर का है, तो ऐसे कुछ इसमें कम भी नहीं लगा मुझे और ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। इसकी सही कैपेसिटी दे रखी है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी आपको थोड़ा सा और लॉन्ग राइड चाहिए तो लॉन्ग राइड करनी मतलब लगातार, तो आपको थोड़ी सी और स्कोर कंफर्टेबल करनी पड़ेगी क्योंकि आगे वाली तो कंफर्टेबल ज़्यादा है, क्योंकि देख सकते हैं आप थोड़ी ज़्यादा है पीछे, आगे से पीछे के लिए थोड़ा अगर दो बंदे जा रहे हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है पीछे वाले को। आगे वाला ये मान लीजिए 60-70-80 किलोमीटर तक लगातार चला सकता है और पीछे वाला तो 40-50 किलोमीटर पर बोलेगा रोक दो भैया गाड़ी। तो ये भी अपन ने इसमें एक्सपीरियंस लिया है, तो इस तरह से ये कुछ। और पीछे वाले शॉकर अच्छे हैं इसके, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी बढ़िया शॉकर दिए हुए हैं। साइड स्टैंड सेंसर काफ़ी अच्छा है, अगर अपन को लगा रखा है अपन और मालूम नहीं है ये स्टैंड लग रहा है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, गियर डालते बंद हो जाती है, तो अपन को मालूम पड़ जाए मतलब। बैटरी में कोई इशू नहीं आया अभी तक, कोई इशू नहीं है, इंजन में कोई इशू नहीं आया है। और इसकी आवाज़ भी और सुना देते हैं चलिए आपको, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरह से की आवाज़ दे रही है ये साइलेंसर। तो दोस्तों इसकी कुछ इस तरह की आवाज़ दी हुई है, आई थिंक आपको सही लगी होगी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और इसमें ज़्यादा कम भी नहीं दी हुई है, नॉर्मल आवाज़ है, ठीक है। इस पर चलान इस पर भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस के चलाना पड़ेगा आपको अगर शौक़ पूरा करने हैं तो, बस यही चीज़ है। और इसको रिकमेंडेड भी नहीं करता मैं कि आप ये लगाएं, बस जैसे कि 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन लगाए और आप इसमें ओरिजिनल साइलेंसर भी डाल सकते हैं, उसको बेचिएगा मत, तो आप उसको भी जब भी लगाना हो आपको तो वो लगा सकते हैं आप, और 5-7 दिन आपका शौक निकाल के 10 दिन शौक निकाल के उसके बाद वापस से वो लगा लीजिए, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं आएगा। एवरेज का अगर हम इसकी बात करूँगा दोस्तों, तो एवरेज इसने 80-100 की स्पीड पर हमने इसको क्रूज़ किया था जो अपन ने ड्राइव ट्रिप की थी उस पर, तो मैं आपको बता दूँ हाईवे पर इसने 37 का एवरेज दिया था दोस्तों, तो ज़्यादा क्योंकि खींच के भगाई थी, दो जने बैठे भी थे, लोड भी था और सामान भी था, उसके बाद में 37.5 यानी 38 का एवरेज इसने निकाल दिया था 350 cc होकर के भी। उसमें उसने ओरिजिनल एग्जॉस्ट में निकाला था वो, इसका अभी मैं रिव्यू दूंगा थोड़ा टाइम बाद में आपको, इसमें क्या एवरेज दे रही है क्योंकि इसमें अभी मैंने 2-4-5 दिन पहले ही लगाया इसको। साउंड तो काफ़ी अच्छी है इसकी, कोई इशू नहीं है इसमें, काफ़ी बढ़िया है साउंड, आपने भी सुनी होगी अभी। और चेन में काफ़ी कुछ दिक्कत नहीं आई है, चेन में वैसे कुछ इश्यू नहीं आया है, बस इसको चेन लूप करती रहिए और क्लीन करते रहिए टाइम टू टाइम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहली सर्विस मैंने इसकी करवाई थी दोस्तों 700 किलोमीटर्स पे, वो भी राइड के दौरान ही कराई मैंने ऋषिकेश पे, तो उसका खर्चा भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वैसे 1200 रुपये आया है, उसका भी बता देता हूँ मैं इस वीडियो में, आ जा करके वो डिटेल दे सकते हैं किस तरह की सर्विस हुई थी उसमें, तो काफ़ी सही रहा। इसको बंद करते हैं अब हज़ार लाइट को और अब बात करते हैं आगे की। तो लद्दाख फ्लैग भी मैंने ये ले लिया था, काफ़ी अच्छा लगता है ये भी, कभी कभी लगा लेते हैं उसको, जब हटाना हो आपको इजीली हट जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और चलिए फिर आगे जा करके कुछ और मॉडिफाइज भी करेंगे इसमें, आप बताना मुझे कमेंट में क्या क्या करना चाहिए। बाकी इस साइड में अपना है, मैं सोच रहा हूँ चैनल का नाम लिखवाएं इसमें, सो ये वाला जो ब्लैक बॉक्स है इस पर काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, तो यूट्यूब का चैनल शर्मा जी ब्लॉग्स, तो यहाँ पर लिखवाएँगे अपन, तो यहाँ सही रहेगा आई थिंक। और एवरेज की अगर अपन ने बात करी जैसे कि, तो 37-38 का ही निकाल देती है 80-100 की स्पीड पे भी, अगर आराम से चलाएं अपन 60-70 जो कि नहीं चल पाती है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है अपन को, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है वो चीज़ है। और बाकी तो अगर ईजिली चलाएँ अपन तो 40 आराम से एवरेज देगी ये, 40 किलोमीटर पर लीटर। सो पर इतना धीरे चला नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस कवर करना पड़ता है अपन को, अगर खींच के भी चलाएं तो 35 से कम एवरेज नहीं देती है ये, कैसे भी चला लो आप इसको
34-35 आराम से एवरेज देती है ये। और इस साइलेंसर में मैं आपको थोड़े टाइम बाद में इसका रिव्यू दूंगा, इसमें क्या एवरेज दे रही है ये। अगर ये EFI नहीं होती, कार्बोरेटर नहीं होता, तो इसमें अभी आप माइलेज टेस्ट करके बोतल लगा करके इसमें दिखा देते, बाकी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका फ्यूल टैंक फुल करवा करके ही आपको एक इसका प्रॉपर रिव्यू बना के दूंगा मैं, तो फुल टैंक टू फुल टैंक ही कराएंगे इसका। तो इसमें इजीली अपन को मालूम पड़ भी जाता है किस तरह से क्या परफॉर्मेंस दे रही है ये, और एग्जैक्ट माइलेज मालूम पड़ता है अपन को इसका। सो यही था आज के इस वीडियो में, बाकी तो मैं देखता हूँ आप और क्या क्या चीज़ पॉइंट रह गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसकी लाइटिंग्स की बात करूँ, अगर तो नाइट में मैंने वो भी इसको टेस्ट किया था, तो नाइट में अगर देखूँ जाए तो हाई बीम इसकी थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है मेरे हिसाब से। या तो वो कैप लगानी पड़ेगी इसमें, तो थोड़ी ऊपर नहीं जाए, एक बार उसको भी लगा कर देखूँगा मैं। लो हाई इसकी जो लो बीम है वो तो काफ़ी अच्छी दी हुई है, हाई बीम करती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो उसमें ज़्यादा फोकस अपन को मालूम पड़ता नहीं है और ढंग से दिखता नहीं है। तो एक बार कैप लगा के देखूँगा, हो सकता है उससे सही हो जाए ये। तो ये सभी में दिक्कत है या इसी में दिक्कत है वो देखना पड़ेगा मुझे, बाकी तो यही चीज़ है। और वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बहुत कम है। मतलब BS4 के या BS3 के मुकाबले तो बहुत कम है वाइब्रेशन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, पर आपको अब इजीली अब ये मिरर्स हैं जो ये आपको हाई स्पीड पे भी इसमें आराम से शो हो जाता है और दिख जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये साइलेंसर लगाने के बाद भी ऐसा कुछ वाइब्रेशन बढ़े नहीं है, ओरिजिनल साइलेंसर में लगभग सेम ही है और इसमें भी सेम ही है। किक में कोई दिक्कत नहीं, इजीली इसमें किक लग जाती है, ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं आया है। फिल्टर इसका वो अब सेकंड सर्विस की बारी है, जो अराउंड देखते हैं 4000 पे कराएं या 5000 पे कराएं, वैसे तो कंपनी 5000 पे बताती है, देखते हैं कब टाइम मिलता है। 5000 पे कराएंगे अपन और उसका भी आपको बताएंगे फिर कितना क्या कॉस्ट आई और क्या रहता है हिसाब किताब पूरा बताएंगे आपको। तो दोस्तों अगर इसके रिजर्व लाइट की अगर बात करें, तो इसमें रिजर्व लाइट नहीं हो, मान लीजिए अगर ये खड़ी हुई है तो ही एग्जैक्ट बताएगी, और उसमें भी 3-1 लीटर के आसपास या 3-3.5 लीटर के आसपास रहता है जब ये लाइट दिखाने लग जाती है, तो इसमें अपन को एग्जैक्ट मालूम पड़ता नहीं है एक्चुअली। और अगर जैसे इसमें अगर बात करें कि अगर ये बिल्कुल ही ब्लिंक नहीं हुए, कभी जा रही कभी जा रही, जब तो 3-3.5 लीटर है और एकदम एग्जैक्ट शो कर रही है कि एकदम चलते हुए भी हिल नहीं रही है लाइट और आ रही है कंटिन्यूसली, तो इसमें ये मान लीजिए आप 1.5-2 लीटर के आसपास इसमें फ्यूल है। तो अभी तक तो मुझे ये अंदाज़ा मालूम पड़ा है इसमें, बाकी तो क्या है इसमें एग्जैक्ट मालूम कुछ पड़ता नहीं है। और इसमें अब जो अपने रिजर्व वाला जो स्विच होता था वो भी हट चुका है, क्योंकि इसमें फ्यूल अपने जानते हैं आप जैसे कि EFI सिस्टम हो चुका है, तो EFI सिस्टम में वो सारी चीज़ें इसमें हट चुकी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्विच है नहीं है। तो फ्यूल का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, एक इसमें नेगेटिव पॉइंट यही लगा मुझे बस, कि आपको वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और फुल टैंक फुल भी करवाया है मैंने, ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है इसमें कि कहते हैं कि फुल टैंक फुल नहीं करवाना चाहिए इसमें, तो वो चीज़ का इसमें कोई इशू नहीं आया है अभी तक तो। और मैंने कम से कम भी इसमें 3 या 4 बार फ्यूल टैंक फुल करा चुका हूँ मैं अभी तक भी, 4-5 बार, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है। और एकदम इसको एकदम फुल मत कराइए ऊपर तक, ज़्यादा ज़्यादा ये बताऊँ लॉकिंग सिस्टम करा दीजिए, जैसे उसके बोलिए फुल करके इसको लॉक कर दो, अपना आप ऑटो कट हो जाएगा वो, तो वहाँ तक फिल कराइए बस, तो कोई इशू नहीं आता है इसमें। मिसिंग वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं आया अभी तक तो मेरे को, और भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों यही था। सो इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी इसकी अभी तक की, क्या क्या इसमें दिक्कतें आई और क्या क्या चीज़ें इसमें, माइलेज टेस्ट इसका रिव्यू, ABS ब्रेकिंग कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है इसमें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना शर्मा जी व्लॉग्स को। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।